नमस्कार, समाचार कैरी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेमोक्रेटिक फ्रंट, समाचार कैरी दोनों एक साथ। आज एक ऐसी समस्या, आज हमारा हिंदुस्तान चंद्रयान दो आसमान में छोड़कर चांद पर पहुंच चुका है। आज हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चल रही है। हर रोज नए नए आयाम विकास के स्थापित किए जा रहे हैं। हमारी सरकारें, बहुत सरकारें आई और गई हैं, लेकिन एक ऐसा सच जिसको सुनकर आप शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे। चंडीगढ़ से मात्र 1 किलोमीटर दूर पंचकुला, और पंचकुला से मात्र कुछ दूरी पर कालका विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव गुमथला गांव की व्यथा सुनकर शायद ही कोई विश्वास कर पाएगा। आज 21वीं सदी में मोदी जी के राज में, जहां बुलेट ट्रेन चंद्रयान के सपने लोग देखते हैं, अमेरिका, रूस, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे जाने की बात करता है, लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसा गांव जो सुविधाओं से वंचित तो है ही, साथ उसकी ऐसी व्यथा है, शायद ही कोई विश्वास कर पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई राजनेता यहाँ पे नहीं आया, हर राजनेता यहाँ पे आया है। चुनाव के समय आते हैं, वोट मांगते हैं, वादा करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। आज अंबेडकर भी रोते होंगे शायद इस गांव के बारे में सोचकर, जिन्होंने संविधान बनाया, वोट का आधार बनाया, इन गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार किया, वोट भी नहीं दिया, फिर भी सरकार पर कोई जू रेंग नहीं पाई है। इनका दर्द, आओ इनकी जबानी हम आपको सुनाते हैं। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है, इस गांव का कोई रास्ता नहीं है। इस गांव में आने के लिए सरकार ने कोई रास्ता नहीं दिया है। ये आज़ादी से पहले का गांव है। इस गांव का इतिहास बहुत पुराना है, फिर भी ये सुनकर विश्वास नहीं होता कि सरकार के रिकॉर्ड में इस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है। बारिश के दिनों में नदी से निकलकर आना बहुत मुश्किल होता है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर व्यक्ति नदी पार करके ही बाहर जा सकते हैं, अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। आइए इसी कड़ी में हम गांव के कुछ वरिष्ठ महिलाएं, वरिष्ठ जन आए हैं, इनसे बात करते हैं। ये अपनी समस्या आपको खुद बताएंगे। भाई साहब, आपका नाम? श्याम। ये आपका गांव कब से अस्तित्व में है? ये आजादी से पहला ये जैसे। आपका जन्म यहीं पे हुआ था? हाँ जी। आप अपने गांव की पूरी समस्या एक बार विस्तृत तौर पर बताएंगे कि इस गांव की क्या समस्या है और क्या मामला है। इसमें ना जी स्कूल है, ना इसमें कोई धर्मशाला, ना इसमें कोई मुर्द घाट, ना इसमें कुछ नहीं जी। मैं कहूँगा कोई काम नहीं इन्होंने कर, और सड़क तो इसमें है ही नहीं, पानी का भी बुरा हाल है जी। बस इसकी बिजली का ट्रांसफार्मर लगे, और कोई सुविधा नहीं है, वो भी इसके बाद लगे जी। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी ये हमारे को पानी की और रास्ते की, सबसे ज़्यादा रास्ते की समस्या जी। मान रास्ते में क्या दिक्कत है? रास्ता जी ये प्राइवेट लैंड है, और आज़ादी से पहले गांव है ये, इसमें गांव के आसपास सारी जमीन प्राइवेट लैंड है जी। आप लोग अब से पहले क्यों नहीं आपने आवाज़ उठाई? बहुत आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी जी। किस किस के पास गए आप लोग? हम सब के पास गए जी, हम DC के पास भी गए, हम MLA के पास भी गए, CM विंडो भी गए, सब कुछ किया जी, हमारी किसी ने सुनाई नहीं गई। आपने चुनाव का बहिष्कार भी किया था पिछली बार? हाँ जी, बहिष्कार भी किया, उसमें भी हमारा कुछ वो नहीं हुआ जान। आपका नाम बाबा जी? मेरा नाम प्रेमचंद है। आप अपने गांव की समस्या एक बार बताएं। गांव की समस्या क्या जी, ना तो कोई रास्ता है, और हर एक काम की दिक्कत है। लाइट भी अभी कभी आती है, कभी आती नहीं। ये भी अब ट्रांसफार्म लगा, ये दोहरे में है, एक फीस आगे है, दो फीस यहाँ हैं, तीन फीस यहाँ हैं, उसमें भी कोई प्रसूता नहीं अभी हुई। ये दिखाने के लिए तो लग गया। रास्ते की बहुत, सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत हमारे को रास्ते की है, कि हमारे बच्चे छुट्टी हो जाती है, जब बारिश हो जाती है। रास्ते की दिक्कत ज़्यादा जी? रास्ते की बहुत ज़्यादा जी। रास्ता में देख के आया कि नदी में से रास्ता है? हाँ, वो नदी रोक लेती है जी, फिर अगर बारिश में भी जाएं तो वो निकल नहीं देती। जब उधर गए भी बच्चे के लग गई बारिश तो वो उधर ही रह जाते हैं, फिर जब तक वो खाली नहीं होगी जब तक नहीं निकल पाएंगे। आइए माताएं बहनों से बात करते हैं, बुजुर्ग माताएं भी हमारे साथ हैं, इनकी समस्या इनकी जबानी।
माता जी आपका नाम? कृष्ण माता जी, आपकी समस्याएं एक बार बताएं आप। समस्या जी रास्ते की है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है? रास्ते की सबसे। रास्ता कब से नहीं है? ये है ही नहीं, जो हम तो जब से आए है ही नहीं। तो रास्ते के बिना अब तक कैसे आप चलते आए? भाई इतना बहुत औखा जी, बहुत औखा। इसके लिए आप किस किस के पास, कहाँ का आवाज है आपने? जी मेरे नु तो पता नहीं, मैं तो अनपढ़ अभी किस किस पा गए होंगे जरूर है। बेटा आपका नाम क्या है? गीता देवी। गीता जी आप अपनी समस्या एक बार सब विस्तृत से बताएं, एक एक समस्या का, जो मुख्य समस्या वो पहले बताएंगे बाकी बाद में बताएंगे। हाँ जी, हम सबसे पहला जी मान तो रास्ते की ज़्यादा घर का प्रॉब्लम, और जी किधर पानी की भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिजली की भी है। बिजली चलो अब ये तो लगा दिए, पर अभी तक कुछ, चलो बिजली तो आएगी है, पर ज़्यादा करके तो हमारे को रास्ते की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। बच्चे कहीं भी जा नहीं सकते अकेले, साथ में एक जरूर जा होना चाहिए। आप माता जी आपका नाम? विद्या देवी। आप क्या कहना है आपका, आपको किस समस्या का सबसे ज्यादा नुकसान है? रास्ते की दिक्कतदारी सबसे ज्यादा था, बच्चे भी बरान हो रहे स्कूल थे, चार चार बच्चे जा रहे एक एक मोटरसाइकिल, कोई साधन नहीं हो रहा है। बंदरा को लिए भी पुल, हमारे कोई पुल नहीं है, उरा हमारी कोई सुनाई नहीं करता। वोटा कह रहे हैं पा दो जी वोट पा दे, मुड़का कोई नहीं दिखाता शकल अपनी, है कि नहीं? हाँ वोटा पा दे आपे रोकी अगले जी, नहीं भाई दिक्कतदारी होगी अगले सब नु। बेटा आपका नाम? रोशन देव। आप बताए समस्या एक बार। रास्ते की अजी ज्यादा दिक्कत, मानो रास्ता नहीं है, बच्चे भी नहीं स्कूल जाते, आठ आठ दिन घर पर रहते हैं, पढ़ाई भी खराब बच्चों की, बच्चे भी नहीं पढ़ सकते हमारे, बहुत औखी है मानो स्कूल में जाने की, बच्चों को भेजने की। आपने भी औखी है, कोई बीमार बीमार हो जा किस तरह जावा, हमें बहुत दिक्कत आ रही है मानो बच्चों की भेजने ते जी। सब तो ज्यादा रास्ते की ज्यादा मानो दिक्कत है जी।